बर्बाद-ए-गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद-ए-गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम-ए-गुलिस्ता क्या होगा। तमाम लोगों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आदरणीय शरद जी, धर्मेंद्र जी, तारिक अनवर जी, और युवाओं के अंदर एक स्पार्क कर पैदा करने वाले बड़े भाई जिग्नेश मेवानी जी, जो सोशल जस्टिस की लड़ाई जिस तरह से आप सब लोगों ने आगे बढ़ाई है इस देश के अंदर, हम सब लोग, सारे छात्र संघ के लोग, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लोग, जो भी छात्र संघ के पदाधिकारी हैं, आप सब लोगों को इस लड़ाई में, आप सबके साथ हैं, आपसे कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, और आप लोग आगे आइए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं हर तरह से। क्योंकि ये जो मुद्दा है कि उच्च शिक्षा में प्रतिनिधि के क्या रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये बहुत गौर करने की बात है कि उच्च शिक्षा के अंदर जो अभी माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन, मैं बहुत ज्यादा उच्च स्तर की शिक्षा की बात नहीं कर रहा, मैं यूजी और पीजी डिग्रीज की बात कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन में माइनॉरिटीज के लोग सिर्फ और सिर्फ 2.6% है। ये मैं नहीं कहता, ये सरकार की बनाई हुई सच्चे कमेटी की रिपोर्ट कहती है, और इस रिपोर्ट पे आज तक कुछ नहीं हुआ। जो एससी एससी का रिप्रेजेंटेशन है वो 3.2% है, ये रिप्रेजेंटेशन आज तक क्यों नहीं बढ़ा? सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई, सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एक घिनौना, एक गंदा गेम खेला यहाँ के एससी एसटी माइनॉरिटी और ओबीसी के साथ, और वो ये गेम खेला कि उसने एससी एसटी माइनॉरिटीज को आईना तो दिखाया और ये कहा कि ये तुम्हारी औकात है और तुम इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। क्योंकि अगर सरकार को कोई काम करना होता तो आज तक एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के हालात में सुधार हो जाते, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। अभी देख लीजिए, देश में एक मोदी था, जब मोदी जी ने चुनाव प्रचार स्टार्ट किया 13-14 में, तो क्या एक भारत श्रेष्ठ भारत एक मोदी के बाद आया, लेकिन पिछले 4 साल के अंदर 4 मोदी आपके सामने आ चुका है, इसीलिए इस देश की आज ये हालत है। मैं तमाम युवाओं से इस बात की अपील करता हूँ कि आप सब लोग आइए और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है उसको लेके सड़क पर उतरिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र आपके साथ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक एक स्टूडेंट, वहां की स्टूडेंट यूनियन आपके साथ खड़ी है। मैं इस बात का वादा करता हूँ कि कम से कम 10,000 स्टूडेंट को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से यहाँ दिल्ली की सड़कों पर खड़ा करने के लिए तैयार हूँ, और तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों से अपील करता हूँ, जामिया के साथ यहाँ बैठे हैं, इलाहाबाद से अवनीश भाई, जेएनयू से गीता यहाँ है, तमाम लोगों से मैं ये कहता हूँ कि सब लोग आए, एक साथ आए, और एक साथ जब हम लोग उतरेंगे तो ये जो शिक्षा और ये एम्प्लॉयमेंट की जो बात है इस पे सरकार पे कहीं ना कहीं हम प्रेशर बनाएंगे, और ये एससी एसटी ओबीसी का जो भी मसला है, जो सोशल जस्टिस की जो लड़ाई है, हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। एक बात और मैं ये कहना चाहूंगा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई के अंदर सोशल जस्टिस की एक लड़ाई चल रही है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज उस लड़ाई को 60 दिन होने वाला है और अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। वहां पर एससी एससी और ओबीसी का जो स्कॉलरशिप है और सरकार ने उसको रोक दिया है, उसको खत्म कर दिया है, वहां पे 2 महीने से गेट पर लोग बैठे हैं और उन्होंने दरवाजा बंद कर रखा है चीज का। मैं भी वहां गया था और उनको सपोर्ट करके आया। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, शरद जी यहाँ बैठे हैं, कि आप भी मुंबई जाकर और तमाम तरह से जो है, तारिक अनवर साहब बैठे हैं, धर्मेंद्र जी बैठे हैं, जिग्नेश जी बैठे हैं, कि उनकी लड़ाई को और मजबूत करें। 60 दिन हो चुका है और अभी तक कोई फ्रूटफुल फैसला नहीं आया, तो आप भी इस आवाज को उठाएं, जो सदन के लोग हैं वो सदन के अंदर और जो बाहर के लोग हैं वो सड़कों में इस बात को उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मशहूर भाई।